जमशेदपुर एनआईटी परिसर आदित्यपुर में हीरक जयंती व्याख्यान कक्ष परिसर का ऑनलाइन लोकार्पण केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। आपको बता दें, इस नए व्याख्यान परिसर की आधारशिला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना का दौर अभी जारी है, इन सबके बीच जमशेदपुर एनआईटी परिसर आदित्यपुर में हीरक जयंती व्याख्यान कक्ष परिसर का ऑनलाइन लोकार्पण केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। 130 करोड़ की लागत से बने इस व्याख्यान कक्ष परिसर में 4400 छात्रों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 160 फैकल्टी भी लेक्चर हॉल में बैठ सकेंगे। हाईटेक लेक्चर हॉल में कुल 33 क्लासरूम है, जबकि 3 वर्चुअल क्लासरूम है, जहां देश के किसी भी कोने से बैठकर छात्र फैकल्टी की क्लास ऑनलाइन अटेंड कर पाएंगे। उद्घाटन समारोह में जानकारी देते हुए एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर करुणेश शुक्ला ने बताया कि पूरा लेक्चर कॉम्प्लेक्स वातानुकूलित है, सभी सुविधाएं लेक्चर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत तेजी से ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ ही संस्थान से जुड़े शिक्षकों एवं छात्रों को बधाइयां दी। शुभकामना देना चाहता हूँ। उस संस्थान ने बहुत लंबे सफर को तय किया है और ये आपने जीवन के 60 वर्षों में तमाम उतार चढ़ाव इस संस्थान ने देखे होंगे। इन वर्षों में इसने तमाम प्रकार के देश को प्रतिभाएं दी हैं। मैं अभी देख रहा था कि यहाँ से निकलने वाले चाहे वो सीएमडी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के ISR रहे हों और चाहे वो पूर्व विद्युत जो ऊर्जा सचिव RV साई रहे हों, चाहे एडमिरल अनिल वर्मा रहे हों और चाहे वो RP सिंह पहले CMD जो उद्योग निगम लिमिटेड के रहे हों, PK गोयल जो सलाहकार और आपी नारायण जो GM भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक वित्त मंत्रालय के, वो बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग गए हैं और उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में, उन्होंने तकनीकी के क्षेत्र में, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्थान का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारा है। संस्थान से बहुत सारे छात्र छात्राएं विदेश में भी हैं, देश में भी हैं और विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पदों पर हैं, विभिन्न जिम्मेदारियों को लेकर के इस संस्थान से पाने वाली उनकी जो शिक्षा थी, वो शिक्षा की सुगंध को पूरे देश में बिखेर रहे हैं और आज जो इन 60 वर्षों के बाद एक ऐसा भव्य भवन जो 130 करोड़ आपकी लागत से बनने वाला जो अपने ढंग का बनाया है आपने, जो देश में एशिया में चंद अपने ढंग के भवनों में एक होगा, मैं ये समझता हूँ। इसके बाद बहुत बधाई, शुभकामनाएं।